दोस्तों आज फिर एक नए सफर की ओर। लो सफर शुरू हो गया। साथियों आज हम निकले हैं गोंडा के लिए और यहाँ पे अब हम आपको अपनी शीट दिखाएंगे। ये रही हमारी शीट जिसपे कि हमने मतलब अपना समय व्यतीत किया जो भी किया। अब यहाँ से जो मतलब कुछ अलग सा अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाते हैं और सबको दिखाते हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ उसे सब देखें तो बेहतर है, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने आप सभी के लिए एक अच्छी सी वीडियो को तैयार किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। रास्ते में ये कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा था, मैंने उसे भी शूट किया थोड़ा सा। अब आप इस लोकेशन को देखिए, एकदम से लग रही है ना एकदम साउथ की लोकेशन हो। अभी मैंने इसको शूट किया और मैंने सोचा सबको दिखाएंगे, सबसे पूछेंगे भाई लग रही है ना एकदम साउथ वाली लोकेशन। बहुत प्यारा लगा। और ये हमारे गोंडा से पहले एक स्टेशन होता है जरवल रोड, तो वो उस स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी हुई थी। नेक्स्ट स्टेशन जस्ट गोंडा है। ये देखिए आप सब देख सकते हैं गोंडा के आउटर पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। जस्ट ऑलमोस्ट मतलब एक मिनट में पहुंच जाएंगे हम स्टेशन पे गोंडा के। ये रहा गोंडा का आउटर। तो साथियों पहुंच चुकी है हमारी ट्रेन स्टेशन पर। यहाँ पे बहुत से पैसेंजर्स इसी ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये आप सब देख सकते हैं कितने पैसेंजर्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो साथियों फाइनली हम गोंडा पहुंच गए हैं और अब यहां से हमने अपनी ट्रेन को बाय बाय बोलकर निकल लिए हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। और साथियों ये है गोंडा स्टेशन का मेन गेट जो कुछ इस तरीके का दिखता है और स्टेशन भी ऐसे है। और ये कुछ यात्री यहाँ पे जो वेट कर रहे हैं सवारियों का। साथियों सप्लायर को मैंने कॉल कर दिया है, वो लेने के लिए यहाँ पे मुझे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक कि वो लेने के लिए आ रहे हैं तब तक के लिए क्यों ना चाय पी ली जाए। तो वो सामने आप सब मार्केट देख सकते हैं, तो मैं अब वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे चाय पीऊँगा। तो वहीं पे जब वो कॉल करेगा मुझे तो वहीं पे उन्हें बुला लूँगा, वहीं से निकल जाऊँगा मिल के लिए। चलिए फिर दिखाते हैं हम आपको। साथियों हम पहुंच चुके हैं अपनी मील पे। अब दिखाते हैं आपको अंदर का, मील के अंदर का क्या मील में है। ये देखिए साथियों अंदर का, और ये जो ढेर आप देख रहे हैं ये चावल का ढेर है। इसी में से हमें इसका एनालिसिस करके क्वालिटी देखनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम बाइक ट्रक इसे डिस्पैच भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम चावल को थोड़ा चेक करेंगे, फिर चेक करने के बाद में इसी चावल का एक एनालिसिस करेंगे एक सैंपल निकाल के।
फिर उसके बाद सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वो अपने मतलब ऑफिस में मतलब ग्रुप पे दे देंगे, तो उसी को चावल को यहाँ पे हमें पास या फेल मतलब करना है। जो भी अगर सही क्वालिटी हुई तो पास होगा, वरना फेल होगा। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं साथियों, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इन्होंने एक नया प्लांट लगाया है, और इधर जो पीछे के साइड में जो अभी लेफ्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला ये इनका पहले से ही था जब मैं पहले आया था। चलिए साथियों अब हम आपको दिखाते हैं एक एनालिसिस करके इसका, ये जो ग्रेन पड़े हुए हैं तो अभी हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा अच्छे से इसे चेक करेंगे कि कहीं से कोई डस्ट या मतलब गीडी चौकी डोकेन कहीं से कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या तो जो अच्छे से क्वालिटी है बस वो सेम होनी चाहिए। बस ये देख रहे हैं अच्छे से प्रूफ बस। साथियों अब चलते हैं यहाँ से खाने के लिए, अब आ गया मेरा खाना, इसे खाने को खाएंगे, उसके बाद में फिर से मील पहुंचकर देखेंगे काम को कैसे क्या होता है। चलिए साथियों हम वापस अपनी मील पे आ गए हैं, और यहाँ पे एक बार फिर से क्वालिटी को ऐसे नॉर्मली चेक कर लेते हैं। नॉर्मली चेक करने के बाद में हम अपना ट्रक डिस्पैच के लिए ट्रक को बुला लिया है हमने, ट्रक डिस्पैच हमारा जस्ट ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है। यस ये सब आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रक डिस्पैच जो है वो ट्रक लोडिंग शुरू हो चुकी है। इसमें जो ट्रक होता है इसको अच्छे से अंदर से पॉलिथीन लगा के तारपोलिन लगवा के लगवाने के बाद में ये बैग्स जो है भर के इसे लेबर लोग इसे लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद ये हमारा ट्रक जो है वो डिस्पैच के लिए चला जाता है, डिस्पैच कर दिया जाता है पोर्ट के लिए, तो वहाँ पोर्ट से बाई शिप ये फॉरेन कंट्री के लिए चला जाता है। अभी ये अंदर का कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं, ये कितना वेट रखते हैं इसमें, इसमें ये वेट रखते हैं 180 ग्राम, तो इसमें ये 160 रख रहे थे तो मैंने इनको बोल दिया भाई 180 रखना है। चलिए साथियों अब हम आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे का, फिर उसके बाद में यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।